रमजान का पाक महीने खत्म होने वाला है। इसी के साथ भारत देश में आज रमजान महीने के आखिरी जुम्मे की नमाज अदा की गई। इसी कड़ी में नरकटियागंज के जमा मस्जिद में रोजेदारों ने नमाज के बाद मुल्क की शांति की दुआ की। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के सभी रोजेदारों ने सुबह से ही अलविदा जुम्मे की नमाज की तैयारियां शुरू कर दी थी। सभी मस्जिदों में जुम्मे की नमाज को लेकर व्यापक व्यवस्था की गई। शहर के बड़ी जामा मस्जिद, शिवगंज मदीना मस्जिद, पुरानी बाजार मस्जिद, ननदपुर दीमुलिया समेत विभिन्न मस्जिदों में अकीदत के साथ नमाज अदा की गई। अलविदा नमाज अदा करने के लिए सुबह से ही बच्चे, बूढ़े, नौजवान स्नान कर नए कपड़े पहनकर मस्जिद की ओर रुख करते देखे गए। आखिरी जुम्मे के दिन काफी उत्साह के साथ बच्चों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को अलविदा जुम्मे की शुभकामनाएं दी। इस दौरान शिकारपुर थाना प्रभारी द्वारा विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि क्षेत्र में अमन चैन बनी रहे। पूरे देशवासियों के लिए, मुसलमानों के लिए रमजानुल मुबारक का महीना बहुत पवित्र महीना होता है और इस रमजानुल मुबारक में मुसलमान 30 दिन रोजा रखता है। सुबह 4 बजे, 4:15 बजे खाता है और फिर शाम को 6-10 बजे अफ्तार करता है। ये मोहब्बत का पैगाम है। इस्लाम को चाहे लोग जो कहे, लेकिन हम अपने नज़रों में यही देखते हैं कि हमारा मजहब आपस में बैर नहीं बताता, हमारा मजहब आपस में मोहब्बत पैदा करता है। बस सोचने और समझने की बात है। और ये शहर जो है हमारा नरकटियागंज, जहाँ के हम बासिंदे हैं, यहाँ अंजुमन इस्लामिया जामा मस्जिद नरकटियागंज का एक प्रतीक है जो हिंदू, मुस्लिम, मुसलमान, सिख, ईसाई को जोड़ के रखता है और सबके लिए अमन के लिए दुआ करता है, सबके तजारत में बरकत चाहता है, आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहता है। और 30 दिन जब रोजा ख़त्म हो जाता है तो वही 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की अदा की जाती है, जो इस शहर के ईदगाह मस्जिद में नमाज होगी। और 7 बजे सुबह नमाज इसलिए होती है ताकि ईदगाह मस्जिद छोटी है और मुक्तदी ज़्यादा हैं, इस वजह से 7 बजे सुबह इंतजामिया इसलिए इंतजाम करती है कि मेन रोड है, हमारे वजह से ट्रैफिक रुकावट ना हो जाए, बच्चों को स्कूल नागा नहीं हो जाए, ट्रैफिक के आने जाने में कोई असुविधा ना हो जाए। इसलिए जितना जल्दी चाहती है कि नमाज को अदा करके और रोड को खाली कर दें, जब अंजुमन इस्लामिया जामे मस्जिद बन जाएगी और ईदगाह मस्जिद बन जाएगी, अपने तामीर में मुकम्मल हो जाएगी, तो इंशाल्लाह रोड पर पढ़ने की नमाज नौबत नहीं आएगी। तब तक आप तमाम हजरात से हम आप लोग का शुक्रिया अदा करते हुए, आप लोग का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग अपना तन मन जान करके और इतने मोहब्बत के साथ सच्चाई का खबर सभी हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आप दर्शाते हैं, उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। रमजानुल मुबारक के महीने में आपके लिए दुआ करते हैं और ख़ास करके अपने इमाम मौलाना तौकीर अहमद से पूरे शहर के लिए दुआ करवाते हैं कि हमारे शहर में अमन व अमान, शांति बना रहे। यही तो है, आज अलविदा का नमाज था अभी ख़त्म हो गया, अब 11 तारीख को इंशाल्लाह ईद की नमाज होगी। और आप तमाम हजरात को हम सभी का दावत देते हैं, या तो आप मेरे यहाँ खाइए, नहीं तो मेरे पंचायत सरकार भवन में आके सभी खाइए, लेकिन खाइए जरूर ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि हमारे भाई हमसे मोहब्बत करते हैं।